बिजनौर से इंद्र हमारे साथ, स्वागत है आपका जी, जी। सवाल करिए अपना। ये सवाल यह कर रहे हैं, जो इसमें जो गैस बनता है उसमें किस चीज की वोहन थी है? गैस गैस की दिक्कत है इनको। बनता है आपको, तो देखिए गैस के लिए हमें अपना आमाशय ठीक रखना चाहिए। ये अगर अपना काम सही ना करे तो गैस बढ़ जाती है, एसिड बढ़ जाते हैं। कुछ को हल्की गैस बनती है जो ऊपर की तरफ जाती है, किसी को भारी गैस बनती है जो नीचे की तरफ जाती है। तो सिर्फ गर्म पानी 5 बार पीने से भी गैस का बनना रुक सकता है। 1 घंटा धूप में चलने से भी पेट ठीक हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा रोग हो तो अलसी भूने और हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और इसको खाया करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। और अगर इससे भी काम ना चले तो इस अलसी में नमक नमक जैतून मिला लें। जैतून का एक नमक आता है जो नमकीन नहीं होता जायके में, और आधा आधा ग्राम इसमें मिलाकर दिन में 2 बार खाने से आपके पेट के तमाम मामलों का ठीक होना मुमकिन है। तो बिल्कुल इंद्र जी, आप ठीक हो जाएंगे। आपको जो पेट की समस्या चल रही है, गैस की दिक्कत चल रही है, आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा, फिर देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको कितना अच्छा रिलीफ मिल जाता है। ऐसे जिन लोगों को और भी गैस की प्रॉब्लम चल रही है, या फिर खाना उनका नहीं पच पाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जिनके लिए वो बहुत सारे ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, लेकिन तब भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता है, लाभ नहीं उठा पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट में अपना खर्चा ही करते रहते हैं, धन ही धन नष्ट करते रहते हैं। क्योंकि दर्शकों, ये तो धन नष्ट करने वाली बात ही है ना। अगर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि सीधा आप लोगों की हकीम साहब से बात होती है। आप लोग जानते हैं घरेलू नुस्खे जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं। कोई भी संकोच नहीं करना है, क्योंकि लाइव कार्यक्रम है दर्शकों। रोग संबंधी आप लोग कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, नुस्खे जान सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पर तुरंत कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, क्या नाम है, कहाँ से बात कर रहे हैं? सवाल जी, सवाल आपका। आपका जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। आप आप नेटवर्क क्षेत्र में आके बात कीजिए, आपके पास बहुत कट कट के आ रही है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। हमें शुगर की बीमारी है बेटा। ठीक है, सोरायसिस, शुगर शुगर की। की। अच्छा हाँ जी, अच्छा हाँ जी। और मेरी पैरों में झुनझुना रहती है, पैरों में दर्द रहता है। ठीक पैरों में है, झुनझुना ठीक। रहती है। एज बता दीजिए। ये 4 साल है। 60 साल। अच्छा, देखिए जिसको डायबिटीज पीछे लग गई उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती रहती है। जो दवाई आप खाते हैं डायबिटीज की वो खाया करें, लेकिन एक ऐसी भी रॉ मटेरियल एक आता है, एक सिरका है जिसे जैतून का सिरका कहते हैं। अगर ये 3 चम्मच छोटे चाय के चम्मच रात को पानी में मिलाकर पी लिया जाए, रात को और दिन में भी पी सकते हैं जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 3 छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर, तो डायबिटीज़ से होने वाले नुकसान को ये रोकता है और डायबिटीज़ को एक जगह रोक कर रखता है। और हमारा जीवन क्योंकि बहुत कीमती है और डायबिटीज़ पीछा छोड़ती नहीं है, तो ये हमारे जीवन को सेहत के साथ गुजारने में मदद करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, पेट के रोगों को भी कंट्रोल करता है और इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है, लीवर का भी ख्याल रखता है, किडनी का भी ख्याल रखता है, दिल का भी ख्याल रखता है। तो अगर आप ले सकते हैं तो जैतून का सिरका 3 चम्मच कम से कम 1 बार ज़रूर लें। जो बहुत बड़े रोगी हैं वो 2 बार भी ले सकते हैं, आपके समस्या का हल होना मुमकिन है। पटना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार, नाम क्या है हेलो, आपका? डॉक्टर नूतन देवी। जी नूतन जी। हमारे दो सवाल हैं। मेरे पति हैं जिनकी उम्र 62 वर्ष है, ठीक है। उनके कमर एक बार गिर गए थे जिसमें कमर का L4 जो है थोड़ा धसक गया है ना। जी तो उसमें जो बहुत ज्यादा दर्द होता है, चुभन जैसा दर्द होता है घुटने से लेकर पैर तक। और वो आपके यहाँ से गोंद स्याह मंगवाया था, वो गोंद स्याह ले रहे थे, हुँ,
घोंसिया ले रहे थे तो उसमें बहुत ज्यादा खुजली होने लगी, तो फिर आप ही के यहाँ से पूछने पर कहा उन्होंने कि सोडा डाल के, खाने का सोडा डाल के खाइए, तो पूरे का रिलीफ मिला है, एक टाइम कर दिया। और मुझे भी थायराइड है, पहले उनका बताइए, पहले उनका बताइए पति, आपके पति को फायदा शुरू हो गया? दर्द में तो थोड़ा आराम है, थोड़ा आराम है, लेकिन वही पूरे बदन में दाने दाने हो गया और मुझे भी हो रहा है पूरा दाना। ठीक है, ठीक। खुजली बहुत हो रही है सर, है ना, और हमारे भी पैर हाथ में बहुत दर्द है, कमर से लेकर पैर सलवा तक में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, आपको कुछ फायदा शुरू हुआ दर्द में? जी हमें भी थोड़ा फायदा है दर्द में, हस्बैंड को भी थोड़ा फायदा है दर्द में, ठीक है ना सर। और यही घमौरी दाने जैसा है पूरे बदन में। कितने कितने दिन हो गए आपको यूज करते हुए, कितने दिन हो गए? ये 20 दिन हो गए सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप बहुत बेफिक्र रहिए, कुछ लोग नाजुक मिजाज होते हैं तो उनको थोड़े मकदार दवा की पोटेंसी कम कर लेनी चाहिए, आपने वो कर ली, और अलसी भूनकर पाउडर बना लें और एक एक चम्मच रोज़ खाया करें, और सोडा ज़रा सा ही खाना है, आधी चुटकी या एक चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, तो ये आपके जिस्म की हिफाजत करेगा, और ये गौंद ख़त्म होते होते आप दोनों का ठीक होना मुमकिन है, लेकिन 2-3 बातों का ख्याल रखें, मेहनत ना करें इस दौरान, ख़ासतौर पर आपके पति देव, और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट होना चाहिए आपके घर में, जिस पर वो अपनी ज़रूरत पूरी करें, और आप देखेंगे कि ये 100-200 ग्राम गोंद ख़त्म होते होते आप दोनों को दर्द से निजात मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं अमित हमारे साथ, स्वागत है अमित आपका। नाम जी बताइए। हमको पेट में कीड़ा हो जाता है राहुल वर्मा इंटरनेशनल का। जी हकीम साहब से बात रहा है? हाँ जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ। कीड़ा हो जाता है ना? जी अच्छा, हमको पेट में कीड़ा हो जाता है। जी जी जी, और बोलिए। राहुल वर्मा इंटरनेशनल का, और गैस बनता है, गैस पहले खाना आ जाता था मुंह में, और अब है कि माने कि गैस ऊपर में निकलता है, ऊपर में निकलता है तो हल्का कमजोरी से बुझाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, आप जानते हैं अनार, अनार को हम खाते हैं उसके बीज को और छिलका फेंक देते हैं, अब की बार आप छिलका फेंकिए नहीं, बल्कि इसे सुखा के इसका पाउडर बना लीजिए, और 2 चुटकी अनार का छिलका का पाउडर, और 2 चुटकी आप लीजिए नमक जैतून, जैतून का एक रसायन आता है जिसे नमक जैतून कहते हैं, ये जायके में नमकीन नहीं होता, 2 चुटकी में जितना आए ये चुटकी हम इसे कहते हैं, 2 चुटकी जैतून का नमक और 2 चुटकी अनार के छिलके का पाउडर 1 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना पी लिया करें, आपकी दोनों समस्याएं का हल होना मुमकिन है। जी, सहारनपुर से विकास कुमार हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी। जी मैम बोलिए, सवाल करिए। मैम मेरे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम है कि जब 1 महीना पहले बुखार हुआ था, प्रेशर कम हो गई थी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हम सुन रहे हैं, आप बताइए। मैम मेरी अभी कुछ दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। हेलो। ठीक है, जी हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी आपकी? मेरी कुछ दिन पहले मैम तबीयत खराब हुई थी। जी जी जी, बोलते रहिए। तो मैम उसमें अब फिर मुझे दवाई खाली ठीक हो गया था, फिर याद ही हो रहा था। क्या क्या हुआ था, क्या दवाई लेते हैं, डॉक्टर ने क्या बताया था? प्लेटलेट कम हो गई सर थोड़ी सी। प्रेशर एक बहुत अच्छा और सस्ता नुस्खा है, शायद मुफ्त का ही नुस्खा है ये, और जब भी ये बुखार चलते हैं जिसमें हमारे खून पतला हो जाता है और प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम आती है, तो
मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में इससे अच्छा नुस्खा नहीं देखा। तो जिसको भी ऐसा हो वो फौरन जाकर पपीते का पत्ता खा ले, एक 3-4 इंच का पत्ता सुबह को, 3-4 इंच का शाम को। ये ज़रा सा कड़वा होता है, लेकिन मैंने देखा अपने अनुभव में कि इससे बेहतर कोई दवा नहीं है, किसी पैथी में नहीं है। पपीते का पत्ता, पपीते का पत्ता तो अक्सर लोग फेंक ही देते हैं, और बल्कि इस मौसम में पपीते का पेड़ अपने घर में लगाया करें ताकि आपके भी काम आए और किसी और के भी। ये पत्ता जो फेंक देते हैं ये बहुत कीमती है, इसे आप खा लिया करें, और उसी वक्त और उसी दिन आपकी प्लेटलेट्स को एकदम अप कर देता है। आप हैरत करेंगे, आपके डॉक्टर भी हैरत करेंगे कि इतने तेज़ दवा और एक मामूली सा बेकार सा पपीते का पत्ता इतना काम कर सकता है। जालंधर से हमारे साथ श्याम लाल जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार, सवाल करिए अपना। हाँ जी, मुझे है ना एक बीपी की प्रॉब्लम है जी। बीपी की मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसके गोली के खाने से मुझे नॉर्मल होता है 140-90 होता है बीपी। नंबर दो, मुझे प्रॉब्लम है मेरी लत्ता, गोडे और पैर, इनमें एक तो दर्दों का होना नंबर वन, नंबर दो इनका भारी पड़ना सिर में भी, सिर में भी भारीपन रहता है। ठीक है, ठीक है। इस टाइम ज्यादा, इस टाइम इनका भारीपन और सिर का और साथ में लत्ता गोडे पैरों में दर्द होता है, जैसे मैं पौड़ी चढ़ता हूँ बैठ उठता हूँ गोडे में दर्द होता है। ठीक है, ठीक है। आइए बताइए, आपके दांत हैं क्या? आपके पेट पेट में है कभी कभी जो जस्ट लाइक इमोशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। आप ये डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है, हार्मोन ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। स्वामी जी ये बताइए, आपके दांत हैं या अभी गिर गए? नहीं, दांत अभी 2-4 दाड़े मेरी खराब हुई हैं, वैसे जो ज्यादा दांत है मतलब खाना चबाने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, चल जाता, मेरा काम चल रहा है। ठीक है। 2-4 दाड़े खराब है, वो आप ही टूट गई हैं, अभी अभी हाफ हाफ टूट गई हैं मतलब। ठीक है, ठीक है। हाँ, जो जैतून के सिरके का आपने जिक्र किया वो आप ले सकते हैं दिन में एक बार या दो बार, तो ये आपके पेट का बड़ा ख्याल रखता है, एसिडिटी का, किडनी का, लीवर का और डायबिटीज़ को भी एक स्तर पर रोक के रखता है। जैतून का सिरका दिन में एक बार या दो बार ले सकते हैं, लेकिन जब आपको दर्द भी है तो उसके लिए आधा आधा ग्राम गोंद स्याह लें, काला गोंद आता है, और ये आधा आधा ग्राम दिन में एक बार या दो बार लें, और ये 100 ग्राम भी खरीद लेंगे तो ये अपने ख़त्म होते होते आपके सारे दर्द को खत्म करना इसका मुमकिन है। जी, कोलकाता से हमारे साथ सुभाष श्री, स्वागत है आपका। हेलो मैम नमस्ते जी, मुझे थायराइड के बारे में कुछ पूछना है। पूछिए। बताइए बताइए। ले थे मैं देखी थी धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आमला 100 ग्राम, फिर और के क्या कह रहे हैं और आगे? नमस्ते, फिर से थोड़ा अब बोलिए तो, आप जो बोले थे मैं देखी थी, 3 चीज लिख ली हूँ, धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और क्या चाहिए? जी जी जी, अच्छा धनिया 300 ग्राम लेना है, लिखिए धनिया 300 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और आंवला 100 ग्राम, और 100 ग्राम लेना है गौन मोरिंगा, गोंद यानी गम, गोंद मोरिंगा, ये सफ़ेद वाला लेना, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, तो ये रॉ मटेरियल लेने हैं और घर पर पाउडर बनाना है, फिर एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम, तकरीबन 3 ग्राम ये छोटा चाय का चम्मच होता है ना, ये आप लिया करें, और वो गोली भी लें थायराइड की जो आप खाते हैं, आप देखेंगे कि आपकी थायराइड की गोली हर महीने कम करते जाएंगे आपके डॉक्टर, जब आप अपनी पुरानी रिपोर्ट और नई रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, और धीरे धीरे आपकी थायराइड की गोली ख़त्म हो जाएगी, और आपके डॉक्टर के मशवरे से फिर आपका थायराइड भी ठीक हो जाएगा, और ये नुस्खे से आपको
इस नुस्खे से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी आपको निजात मिल जाएगी जी।